तो स्वागत है आपका शेड्स ऑफ उदयपुर की एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं उदयपुर के जायके से रूबरू कराने, तो बने रहिए हमारे साथ। Hi there, Abhid this side from Shades of Udaipur. I hope you all are well. So we have two more vloggers in the team, Darsh and Jishan. Hello. First of all, welcome to the team Shades. और इतना इंट्रो काफी होगा क्योंकि सफर बहुत ही लंबा है। सब इतने लंबे सफर पे आपका इनका हमारा सबका कनेक्शन बन ही जाएगा। So without any further ado, let's get started today's vlog. Let's go. तो जैसे ही आप लोग जगदीश चौक पहुंचेंगे, जगदीश चौक से आपको नीचे की तरफ रास्ता, याद रखना आपको राइट लेना है, ऊपर या लेफ्ट या कहीं नहीं, आपको राइट लेना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप आएंगे, आपको दिखेगा घंटाघर, घंटाघर से आपको वापस लेफ्ट राइट एंड सीधा स्ट्रेट दिखेगा। स्ट्रेट आपको लेना है, स्ट्रेट आप जाते रहेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मयंक ज्वेलर्स की शॉप दिखेगी। मयंक ज्वेलर्स के जस्ट पास में गली जा रही है अंदर, एंड देन यू कैन फाइंड रूप जी नाश्ता सेंटर। सो फाइनली वी आर हियर, सो लेट्स मूव इन, लेट्स गो। Going to have this famous papad of him, और ये उनकी famous कचौरी है, तो अभी हम taste करने वाले और फिर आपको बताते हैं ये कैसा है। Let's do it. It's delicious. मैं बता रहा हूँ आपको, आपको जरूर आगे try करना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा है। And कचौरी का दर्श बताएंगे, बताइए जल्दी टूटने में थोड़ा वक्त ले रहा भाई का। एक चौके दर्श अपन आप उठा कर भी खा सकते हैं, नहीं थोड़ा ना ऑर्गेनाइज वे से खाएंगे। ओके, शुड हैव मिर्ची, गैन ग्रीन मिर्ची पेट के लिए बहुत अच्छी होती है बाय द वे। फाइनली तो हाउ डिड, अभी तक पापड़ टेस्ट नहीं करा पर कचौरी मेरी फेवरेट हो गई। ओके दैट्स गुड, तो चलिए हम खाते हैं एंड आपसे। तो आप देख सकते हैं कि हमने फिनिश कर दिया है एंड इट वाज अमेजिंग। तो भैया से कुछ सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं इस लोकेशन के बारे में, कहाँ लोकेटेड है और इनकी जर्नी कैसी रही, तो सब पूछ। चलिए पूछते हैं। तो भैया आप अपने बारे में और आपकी शॉप के बारे में बताइए कि आपकी शॉप कहाँ है, एग्जैक्ट एड्रेस। सर ये घंटाघर क्लॉक टावर सरफा मार्केट बड़ा बाजार सिकर रोड स्ट्रीट में रूप जी नाश्ता सेंटर के नाम से है। ओके, और अपनी शॉप रेस्टोरेंट 60 साल पुराना है। ओके, और ये पापा ने शुरू किया, पापा के नाम से रूप जी नाश्ता सेंटर, और मेरा नाम राजकुमार है, मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ और चला रहा हूँ। ओके, तो आपका जो फेमस है आप बताइए। जी मेरी दुकान का सबसे फेमस आइटम है पापड़, ओपन समोसे जिसे बोलते हैं, वो फेमस आइटम। तो आपका आइडिया कहाँ से आया पापड़ का? ये पापड़ का आइडिया सर इसकी शुरुआत उदयपुर में मेरे फादर ने की है, और ये इस रूप से शुरुआत हुई कि जैसे पहले पपड़ी बनाते थे बेसन वाली और भाटिया बनाते थे, कोई भी आते एक दो पीस टेस्ट कर रहा था, तो इससे क्या है वो एक माहौल ऐसा होता था अंदर हाथ डालना। उसके बाद पापा ने पापड़ शुरू किया, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अच्छा, तो कोई आता था और छोटी पापड़ देके खा लेता था, तो वो आपको पे नहीं कर पाता था। जी, तो ओके, तो आपने इसका बड़ा कर दिया था कि पापड़ बनाया, उसके साथ आलू प्याज का मसाला पापा ने अपने हिसाब से बना के वो सेट किया, और तभी से फेमस है और मेंटेन कर रहा हूँ। तो आपकी जर्नी किस हिसाब से रही कि आपके फादर ने जिस लेवल पर शुरू करा था सबसे लेकर अभी तक आपकी क्या जर्नी रही? फादर ने 4 साल से संघर्ष करके सब काम जमाया, उदयपुर नाम किया है। उसके बाद जैसे अभी मैं 10-15 साल से मैं संभाल रहा हूँ, तो उसी रेटर्स और उसी लेवल से और वही तरीका सब वही है और उसी लेवल से मैं काम कर रहा हूँ। तो भैया यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी गुड, आपका बहुत टेस्टी लगा, हमने खाया, ठीक है। हम आपको होप करते हैं आप ऐसे ही, आप सब लोग भी आइए और भैया को सपोर्ट करें, राइट, एंड आइएगा और इनके ज़रूर पापड़ एंड कचौरी ज़रूर ट्राई करें, इट्स ऑसम। और यहाँ पे जो भी लोकेशन है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप यहाँ पे रीच कर सकते हैं और इनके सब ट्राई कर सकते हैं। सो ये व्हाट्सअप गाइज, वी आर डन विद द टुडेज व्लॉग, और अभी हमने यहाँ का फेमस नाश्ता ट्राई करा एंड गाइज इट वाज अमेजिंग। मैं जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आएँ एंड इसको खाएँ,
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आपको यहाँ दिख जाएगा और लोकेशन आपको यहाँ की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक करिएगा आकर और आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं कमेंट में और जो भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।